सच। जबलपुर की मिलेनियम कॉलोनी के दोहरे हत्याकांड की जांच कर रही पुलिस को एक नया एंगल मिला है। पुलिस के अनुसार मुकुल और नाबालिग लड़की दोनों ही शुक्रवार दोपहर 1 बजे मदन महल रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, तभी से दोनों की तलाश जारी है। 24 घंटे बाद पुलिस को मदन महल स्टेशन पर ही आरोपी मुकुल की लाल रंग की स्कूटर मिली है। पुलिस ने अब मृतक की बेटी की तलाश तेज कर दी है, मोबाइल से भी ट्रेस किया जा रहा है। अभी तक की कार्रवाई के संबंध में एएसपी शहर प्रियंका शुक्ला का कहना है कि इस घटना में दोनों ही आरोपी हैं और कहीं ना कहीं बात प्रेम प्रसंग की भी आ रही है। फिलहाल पुलिस हर स्तर से और हर पहलू से जांच करते हुए इन दोनों की तलाश कर रही है। शहर में घटित हुए हत्याकांड की ये घटना से पुलिस भी सकते में है। सूत्रों की माने तो शनिवार की दोपहर 3 से 4 बजे के बीच में आरोपियों को पुलिस पेश कर सकती है। सूत्रों ने दावा किया है कि हत्यारों तक पुलिस पहुंच चुकी है, जल्द ही इसका खुलासा होगा। देखिए, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें जो दोनों इसमें आरोपी हैं, जिसमें एक नाबालिग भी है, और वो एक्टिवा से कॉलोनी से निकले हैं। उसके बाद मदन महल के पास उन्होंने अपनी गाड़ी को छोड़ा है और आगे वो ट्रैवल किए हैं। हमारी टीम लगातार उनके पीछे लगी हुई है और जल्दी ही जो आरोपी हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। सर, ये पूरी वारदात को किस तरह अंजाम दिया? देखिए, प्राइमा फेसी अभी तक इन्वेस्टिगेशन में ऐसा प्रतीत होता है कि प्लान करके घटना की गई है, और अभी आरोपी के गिरफ्तार होने के बाद और जो इसमें फैक्ट्स हैं वो क्लियर। सिविल लाइन पुलिस को इस प्रकरण में जांच के दौरान एक वीडियो हाथ लगा है, जिसमें आरोपी मुकुल लाल स्कूटी में घर से जाता दिख रहा है, जबकि उसके ठीक कुछ देर बाद ही पीछे से नाबालिग बेटी गेट से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है। पुलिस इस आधार पर भी बारीकी से जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ सिविल लाइन थाना प्रभारी धीरज ने बताया कि 2023 में मुकुल के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत दर्ज की गई थी और पुलिस ने पास्को एक्ट के तहत मुकुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वो कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। मृतक राजकुमार की पत्नी आरती की मृत्यु बीमारी के दौरान कुछ वर्ष पहले ही हो चुकी है। उस समय परिवार वाले वैष्णो देवी गए थे और यहाँ पत्नी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके चलते उसकी मौत हो गई थी। देखिए, दोनों का रोल इसमें सस्पिशियस है, और उसमें जो अभी तक वीडियो फुटेज है उसमें प्रिपरेशन भी दिख रही है और दोनों का कनाइवेंस भी इसमें दिख रहा है, और हमारी टीम्स लगातार इसमें लगी हैं और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार। सीसीटीवी फुटेज आए कहाँ के हैं? देखिए, सीसीटीवी फुटेज में उनके घर के आसपास के भी हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, और रस्ते में ऐसे हमारे कंट्रोल रूम के स्मार्ट सिटी के जो कैमराज हैं उनमें भी कई जगह उनको देखा गया है। घटना से 2-3 दिन पहले भी उनको लगातार साथ में देखा गया। जबलपुर के सिविल लाइन चौक स्थित रेलवे की मिलेनियम कॉलोनी में एक ही परिवार के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। घर में पिता और 8 साल के बेटे की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। वहीं मृतक की 14 साल की बेटी लापता है। हत्यारे ने 8 साल के पुत्र की हत्या के बाद उसके शव को फ्रिज में डाल दिया। वहीं पिता को भी कई जगहों पर निर्ममता से वार किया। मृतक का नाम राजकुमार विश्वकर्मा, निवासी पिपरिया है। वो जबलपुर में मिलेनियम कॉलोनी में बेटी आर्या 14 वर्ष और बेटे तनिष्क के साथ रहते थे। शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे मृतक की बेटी आर्या ने मोबाइल से वॉइस मैसेज भेजा। मैसेज के मुताबिक आर्या ने कहा, दादा मुकुल आया था, पापा और भैया की हत्या कर दी है। मैसेज सुनकर वे घबरा गए और उन्होंने जबलपुर में ही गढ़ा क्षेत्र में रहने वाले परिवार वालों को इसके बारे में बताया। यहां से परिवार वाले तुरंत मौके पर पहुंचे। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा था, जिसके बाद उन्होंने आरपीएफ और थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस को सिविल लाइन थाना प्रभारी के मुताबिक सितंबर 2023 में आरोपी मुकुल के खिलाफ छेड़खानी की शिकायत की गई थी। देखिए, सितंबर 2023 में एक FIR हुई थी, और उसमें तब से इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में ये इशू चल रहा था, और अभी क्योंकि आरोपी पकड़ में आएंगे तो और जो पिक्चर क्लियर होगी, और जैसे फिर आगे फैक्ट्स आएंगे उस आधार पर कार्रवाई। संदिग्ध आरोपी मुकुल सिंह है।
उसके फैमिली मेंबर्स से आपकी पूछताछ की है उसके घर में आपको? उनके फैमिली मेंबर से लगातार पूछताछ चल रही है और उनके कहाँ कहाँ वेयर अबाउट्स हो सकते हैं और जहाँ उनके जाने की संभावना है, कौन उनके अकम्प्लिसेस हो सकते हैं, उनकी जानकारी निकाल के हमारी टीम लगातार काम कर रही है। सिर्फ सच।